In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. Dear students, this is the lecture of grade 1 English, unit number 4, and the name of this unit is Mr. Dog and the Bone. Dear students, as you know that this is the first lecture of our lesson. We have done with our reading of this lesson in which we have read about a dog whose name is Mr. Dog. He got a bone. उसके पास उसे एक बोन मिली और वो एक रिवर के पास से गुजर रहा था ताकि वो एक सेफ प्लेस पे उस बोन को ईट कर सके, उसे खा सके. बट इन द रिवर उसने पानी के अंदर जो रिवर का वाटर था उसके अंदर उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा और उसे लगा कि इस जो वाटर में इस रिवर के वाटर में एक और डॉग है जिसके माउथ में बोन है. तो वो मिस्टर डॉग चाहता था कि उस दूसरे डॉग की भी बोन वो खुद ले सके ताकि खुद ईट कर सके. जैसे ही उसने मिस्टर डॉग ने बाग किया ताकि दूसरे डॉग की बोन खुद ले सके तो मिस्टर डॉग की अपनी बोन भी वाटर के अंदर ड्रॉप हो गई. तो इस तरह मिस्टर डॉग ने एट द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर डॉग को बहुत ज़्यादा सैडनेस हुई. मिस्टर डॉग बहुत सैड हो गया, उसे तो भूख भी लगी थी, वो हंग्री भी था लेकिन उसके पास अब कुछ भी नहीं था. उसने ग्रीडीनेस शो की, उसने लालच शो की. तो इससे हमें लेसन मिला था, हमने रीड किया था कि हमें ग्रीडीनेस शो नहीं करनी चाहिए. इन दिस लेसन डियर स्टूडेंट्स वी विल लर्न अबाउट क्वेश्चन आंसर्स एंड आवर वन टॉपिक इज प्लूरल्स. Write down index, write down serial number, date and topic which is Mr. Dog and the Bone. Dear students, before we begin, please make sure that you have your English student book, notebooks and your complete stationery available with you. Listen to the teacher carefully. Follow all given instructions. Please write with the sharp pencil. You can pause the video and listen to it again as many times as required. Dear students, do your work neatly. Students, आपने अपने टीचर की बात बहुत केयरफुली आपने लिसन करनी है. टीचर जो जो कहेंगे आपने वैसे ही फॉलो करना है और आपने अपनी पेंसिल का शार्प बिल्कुल लेड जो लेड है वो शार्प करना है. और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, वहाँ से दोबारा आप देख सकते हैं. और अपना काम आपने बहुत नीटली करना है. डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 22 फ्रॉम स्टूडेंट बुक. रीड द लेसन विद द टीचर. राइट डाउन April 29, 2021, classwork and day on the top of your page. Students, now we will start our questions. And the first question of this lesson is, how did Mr. Dog get the bone? Mr. Dog, जो इस unit का main character है, उसको bone कैसे मिली? And the answer is by jumping. Mr. Dog ने jump किया था और वो bone get की थी. The second question of this unit is, how did Mr. Dog lose his bone? And the answer of this question is, he dropped in water. Mr. Dog ने अपनी bone कैसे खो दी थी? He dropped इन वाटर. मिस्टर डॉग ने जैसे ही बाग किया था तो मिस्टर डॉग की जो बोन थी वो उसके माउथ में से निकल के वाटर में ड्रॉप हो गई थी, गिर गई थी. द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डॉग्स आर देयर इन द स्टोरी? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन.
मिस्टर डॉग एक अकेला ही डॉग था जो कि इस लेसन में था, इस स्टोरी में था। जो दूसरा डॉग जिसे मिस्टर डॉग ने वाटर में देखा था वो तो उसकी रिफ्लेक्शन थी। तो इस स्टोरी में कितने डॉग्स थे? वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मिस्टर डॉग फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जब स्टोरी का एंड हुआ, जब मिस्टर डॉग ने अपनी बॉन लूज कर दी, तो मिस्टर डॉग ने कैसा फील किया? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सैड एंड हंग्री। मिस्टर डॉग के पास कोई बॉन ही नहीं रही थी और मिस्टर डॉग हंग्री भी थे, भूखा था मिस्टर डॉग, तो वो सैड हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू फील सॉरी फॉर हिम। क्या आपको बुरा लगा मिस्टर डॉग ने अपनी बॉन को खो दिया? एंड द आंसर इज नो। आपको इसलिए बुरा नहीं लगा होगा कि अगर हमने मिस्टर डॉग की तरह हम ग्रीडीनेस शो करेंगे, किसी दूसरे की चीज़ भी लेना चाहेंगे, तो हमारे लिए कोई सॉरी फील नहीं करेगा। तो इसीलिए आपने भी मिस्टर डॉग के बारे में सॉरी फील नहीं किया होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेसन डज दिस स्टोरी टीच अस। ये स्टोरी जिसका नेम है मिस्टर डॉग एंड द बोन, ये आपको क्या लेसन टीच करती, क्या सिखाती है आपको? एंड द आंसर इज नॉट टू बी ग्रीडी। आंसर क्या है कि आपने ग्रीडीनेस शो नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। जो चीज़ आपके पास है आपने सिर्फ वही यूज़ करनी है, किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेनी। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन आंसर्स नीटली अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं, पेंसिल आपने इसका लेड शार्प करना है और नीटली काम करना है। जहाँ से आपको समझ नहीं आए आपने वीडियो को पॉज करना है, उसको रिवाइंड करना है और दोबारा देखना। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लूरल्स। डियर स्टूडेंट्स, ओपन लुक एट पेज नंबर 22। हियर रीड दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड दिस। इन दिस पिक्चर टू थिंग्स आर शोन। One thing is one bone and the second one is two bones. जो एक चीज़ सिंगल चीज़ होती है उसके लिए हम एस या ईएस प्लूरल्स बनाने के लिए एस या ईएस ऐड नहीं करते, और जहाँ हमने सिंगल चीज़ को डबल करना हो या उससे ज़्यादा शो करना हो तो हम उस थिंग के नेम के साथ एस या ईएस राइट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ वन बोन एंड द सेकेंड वन इज़, यहाँ पहली वाली पिक्चर पहले एक बोन दिखाई गई है और उसके साथ ही दो बोन्स हैं, तो बोन के साथ हमने एस राइट किया है। वन स्प्लैश, टू स्प्लैशेस, एड ई एस टू वर्ड्स दैट एंड इन एस, एस एच, सी एच और एक्स। स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स एस, एस एच, सी एच या एक्स के साथ एंड होते हों उनके एंड पे आपने ई एस राइट करना है, और जो इन वर्ड्स के साथ एंड नहीं होते उनके साथ आपने सिर्फ एस राइट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज दिस इज व्हाट मिस्टर डॉग सॉ ऑन हिज वे होम। राइट द वर्ड्स, एड एस और ई एस टू मेक मोर देन वन। आपने देखना है पेज नंबर 23 पे पिक्चर्स बनी है और मिस्टर डॉग ने ये चीज़ें सब अपने घर जाते हुए रास्ते में देखी थी, तो आपने देखना है कि किस वर्ड के साथ एस राइट करेंगे और किसके साथ ई एस राइट करेंगे। द फर्स्ट पिक्चर इज टू कैट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कैट में टी टी ना इसमें एस है, ना एस एच है, ना सी एच है और ना ही एक्स है, तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, एस या ई एस? एस, वेरी गुड। इसमें इसके एंड पे हम राइट करेंगे एस, तो ये बन जाएगा टू कैट्स। द सेकेंड पिक्चर इज थ्री गॉड्स। अब गॉड के एंड पे भी हमारे पास टी है, तो इसमें भी हम टी के साथ क्या राइट करेंगे, एस या ई एस? हम राइट करेंगे एस। इट विल मेक, इट विल बिकम
three gods. And the third picture is lots of branches. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वर्ड में ब्रांच की एंड पे सी एच आ रहा है, तो हमने पहले पढ़ा था कि जो वर्ड सी एच के साथ एंड होता है उसके उसको प्लूरल बनाते हुए हम ई एस ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने इस वर्ड के साथ ई एस राइट किया. इट हैज़ बिकम लॉट्स ऑफ ब्रांचेस. द फोर्थ पिक्चर इज फोर ब्रदर्स. देखिए स्टूडेंट्स, इस वर्ड में ब्रदर के एंड पे आर आ रहा है, तो हमने एस राइट करना है, ई एस राइट नहीं करेंगे. द फिफ्थ वन इज मैनी बॉक्सेस. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इस वर्ड में बॉक्स में एंड पे एक्स आया है, तो हमने पहले रीड किया था कि अगर एक्स आ जाए किसी वर्ड के एंड पे तो हम उसके साथ ई एस राइट करेंगे, तो ये बन गया है मैनी बॉक्सेस. एंड द लास्ट पिक्चर इज टू बसेस. इस पिक्चर में भी बस में लास्ट में एस आता है, तो हमने ये भी रीड किया था कि अगर एस आ जाए किसी वर्ड के एंड पे तो हमने ई एस राइट करना है, तो यहाँ आप राइट करेंगे ई एस. इट विल बिकम टू बसेस. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क. ओपन योर डायरी, राइट डाउन डेट, सब्जेक्ट, राइट डाउन योर डायरी. डियर स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट बुक पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर इंग्लिश होमवर्क नोटबुक. स्टूडेंट बुक में पेज नंबर 23 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आई वन टेल योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स यू सी ऑन योर वे होम एंड राइट अ लिस्ट ऑफ योर ऑफ द थिंग्स यू सी. आपने वो चीज़ें राइट करनी हैं जो आप मोस्टली आप देखते हैं, उसको आपने प्लूरल्स में राइट करना है. आप ये काम अपनी इंग्लिश होमवर्क नोटबुक पे राइट करेंगे और नीटली राइट करेंगे. आपकी पेंसिल का शार्प लेड जो है वो शार्प होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं टू कार्स और टू कैट्स, थ्री चेयर्स, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, डू वर्कबुक पेज नंबर 15 and 16. आपकी वर्कबुक का पेज 15 और 16 आपने वो भी राइट करना है और नीटली राइट करना है. अगर कुछ आपको समझ नहीं आता, आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर आपको मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.